हेलो स्टूडेंट्स कैसे आप सभी लोग मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 47th लेक्चर ये हमारा 47th लेक्चर है ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज एंड आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जिसको फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं ठीक है अच्छा एक बात और है कि मेरा गला आज थोड़ा सा खराब है शायद चेंज के कारण तो आज आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा राइट और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हर लेक्चर में कहती हूं एक बार फिर कहूंगी कि इन वीडियो लेक्चर्स को केवल अपने तक ही मत रखिएगा इनको अपने फ्रेंड्स के साथ जूनियर्स के साथ जरूर शेयर करिएगा और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे लगे आपने कुछ नॉलेज गेन की है आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, तो इन वीडियोस को लाइक करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना एकदम मत भूलिएगा आप समझ सकते हैं कि एक एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है कितनी मेहनत लगती है इन पीपीटी को टाइप करना वीडियो को रिकॉर्ड करना एडिट करना अपलोड करना मतलब ये एक लंबा प्रोसेस होता है तो मैं चाहूंगी कि जो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए आप लोग भी अपनी पूजा मैम के लिए एक मिनट का टाइम जरूर निकालें और इन वीडियोस को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि हाउ वॉज दिस लेक्चर राइट और एक बात और है कि मेरे जित, मेरे चैनल पे जितने भी मेरे वीडियोज अपलोडेड है अगर आपको उनके नोट्स चाहिए इन पी डी एफ फॉर्म देन यू कैन पिंग मी ऑन माई टेलीग्राम आई आप मुझे मेरी टेलीग्राम आई पर पिंग कर सकते हैं ठीक है तो फिर चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक इसमें से कौन सा साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक का पार्ट नहीं है कौन सा उसमें इंक्लूडेड नहीं है ऑप्शन दिए गए हैं डिविजन ऑफ लेबर साइंटिफिक सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ वर्कर हायरेरिकल स्ट्रक्चर ये चार ऑप्शन दिए गए हैं ठीक है आपसे पूछा गया है साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक में, में, इन में से कौन सा है जो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक का पार्ट नहीं है, ठीक? So तो आपको बता देती आपने पढ़ा होगा थे, आ, उनको कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्होंने दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो थ्योरी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो टेक्निक थी वो किसने दिया था एफ डब्ल्यू टेलर ने ठीक है एफ डब्ल्यू टेलर ने और उन्होंने कुछ एलिमेंट्स कुछ टूल्स बताए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ टूल बताए थे तो मैं आपको जरा वो टूल एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रही हूँ तो आपको खुद ही इसका आंसर मिल जाएगा कि कौन सा इसका पार्ट नहीं है तो उन्होंने बताया था जो टूल्स बताए थे वो बता रही हूँ सबसे पहला बताया था सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग फिर एक उन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप की बात की थी जिसमें उन्होंने स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन की बात की थी फिर उन्होंने जॉब एनालिसिस के बारे में कहा था उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में कहा था उन्होंने साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर के बारे में कहा था उन्होंने फाइनेंशियल इंसेंटिव के बारे में कहा था उन्होंने इकोनमी के बारे में कहा था और उन्होंने मेंटल रिवोल्यूशन के बारे में कहा था तो ये कुछ टूल्स हैं एलिमेंट्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो एफ डब्ल्यू टेलर ने अपनी थ्योरी में दिया था ठीक है 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 तो मेरे ख्याल से अब आपको आंसर मिल गया है कि कौन सा उसका पार्ट नहीं डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में कहा गया है साइंटिफिक सिलेक्शन के बारे में कहा गया है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के बारे में कहा गया है लेकिन हायरिकल स्ट्रक्चर के बारे में साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में नहीं कहा गया है ठीक है तो दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक राइट चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है अगला क्वेश्चन है अंडर फ्यूल फोर्टीन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिलेटेड विद स्पिरिट डी फ्यूल ने जो 14 प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट के उसमें से एक प्रिंसिपल था स्पिरिट डी ठीक है तो वो किससे रिलेटेड है दिस इज द क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया है डिवीजन ऑफ वर्कर टीम वर्क पर्सनल एबिलिटी पर्सनल इंटरेस्ट ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं तो आपने पढ़ा होगा कि हेनरी फ्यूल जो हैनरी फ्यूल है आ, उन्होंने दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ हेनरी फ्यूल ठीक है हेनरी जो है इन्होंने दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट इन्होंने दिया था इन्होंने फोर्टीन प्रिंसिपल दिए थे और ये जो स्पिरिट डी कोप है दिस इज वन ऑफ द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज गिवन बाई फ्यूल फ्यूल ने जो 14 प्रिंसिपल दिए थे एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के उसी में से एक प्रिंसिपल है स्पिरिट डी कोप और ये जो स्पिरिट डी है ना इसका मीनिंग क्या होता है इसका मीनिंग होता है यूनियन इज स्ट्रेंथ ये जो स्पिरिट डिकोप है इसका मतलब होता है यूनियन इज स्ट्रेंथ ठीक है तो अब मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है स्पिरिट डिकोप जो है इसका मतलब होता है यूनियन इज स्ट्रेंथ और ये जो स्पिरिट डीकोप प्रिंसिपल है ये क्या इनकरेज करता है इसके अकॉर्डिंग द मैनेजर शुड इनकरेज स्पिरिट डीकोप अमंग इट्स एम्प्लॉई ये जो मैनेजर है उसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर होता है उसे स्पिरिट डीकोप यानी टीम वर्क जो है अपने एम्प्लॉईज uh, के बीच में इनकरेज करना चाहिए ठीक है क्योंकि इसका मतलब क्या होता है यूनियन इज स्ट्रेंथ टीम वर्क को इनकरेज करता है ये प्रिंसिपल तो अब मेरे ख्याल से आपको ऑप्शन पता चल गया है कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ठीक चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इन द ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इज अ फंक्शन ऑफ यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होता है ये किसका फंक्शन है प्लानिंग का ऑर्गेनाइजिंग का लीडिंग का कंट्रोलिंग का किसका फंक्शन है ठीक है तो जरा इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इसका क्या मतलब है ये बता देती हूँ फिर आप खुद ही आंसर बता देंगे ये तो बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट की ये आपने पढ़ा होगा प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग कंट्रोलिंग ठीक मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप आपको आंसर मिल जाएगा तो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है ठीक है ऑर्गेनाइजेशन का ये जो स्ट्रक्चर है

ठीक है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हर एक एम्प्लॉय किसको रिपोर्ट कर रहा होता है अपने ऊपर के level के लेवल जो employee है उसको रिपोर्ट कर रहा होता है तो दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप अब आप बता सकते हैं क्या ये प्लानिंग का पार्ट है नहीं क्या ये लीडिंग का पार्ट है नहीं क्या ये कंट्रोलिंग का है नो इट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ये ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है ठीक है तो ऑर्गेनाइजेशन में जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है दिस इज अ फंक्शन ऑफ Organizing. ये organizing का function है ठीक तो आंसर अगला, अगला क्वेश्चन in इसमें से कौन सा मैनेजीरियल एक्टिविटी का पार्ट नहीं है ऑप्शन आपको दिए गए हैं कमांडिंग कंट्रोलिंग अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजिंग कौन सा मैनेजीरियल एक्टिविटी का पार्ट नहीं है तो मैनेजीरियल एक्टिविटी मतलब

समझ में आ कौन सा सही है। है? है, क्या भी लेकिन अकाउंटिंग की तो कहीं बात ही हुई ना अकाउंटिंग इज नॉट अ मैनेजीरियल एक्टिविटी ये मैनेजीरियल एक्टिविटी नहीं है ठीक तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है Heuristic technique refers to... जो ह्यूरिस्टिक टेक्निक है वो क्या होती है वो ट्रायल एंड एरर टेक्निक होती है ग्रुप डिस्कशन मेकिंग टेक्निक होती है टेक्निकल्विंग टेक्निक होती होती है या होती है या क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक क्या होती है ह्यूरिस्टिक टेक्निक क्या होती है तो uh, मैं आपको थोड़ा सा ह्यूरिस्टिक टेक्निक बता देती हूँ आपको आंसर मिल जाएगा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है जो ह्यूरिस्टिक टेक्निक होती है ना ये बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है ठीक है स्पेशली ट्रायल एंड एरर ट्रायल एंड एरर या एक्सपेरिमेंटल से जो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है उन्हें कहा जाता है ह्यूरिस्टिक टेक्निक ठीक है ह्यूरिस्टिक टेक्निक की खास बात है कि आ, जो सॉल्यूशन है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो ऑप्टिमल परफेक्ट एंड रेशनल सॉल्यूशन होगा बट वो सफिशिएंट सॉल्यूशन होगा जो शॉर्ट टर्म गोल है उसको रीच करने के लिए सफिशिएंट सॉल्यूशन होगा ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स में टेक्निक से जो सॉल्यूशन होगा वो मतलब सफिशियंट सॉल्यूशन होगा ठीक है और बेसिकली ये जो टेक्निक है ना ही टेक्निक ये वहां पे यूज की जाती है जहां पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना ऑलमोस्ट हो हो इम्पॉसिबल तो हमें अगर वहां पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ठीक है तो हम मतलब एक सफिशियंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हम ट्रायल एंड एरर मेथड हुआ रूल ऑफ थंब हुआ या एक एजुकेटेड गेस इन मेथड से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और इन्हीं मेथड को कहा जाता है ह्यूरिस्टिक टेक्निक तो ह्यूरिस्टिक टेक्निक की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ट्रायल एंड एरर हुआ ठीक है ट्रायल एंड एरर मेथड रूल ऑफ थम मेथड ठीक है या एक एजुकेटेड गेस ये सब क्या है ह्यूरिस्टिक टेक्निक है ठीक तो अब मेरे ख्याल से आपको आंसर पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ह्यूरिस्टिक टेक्निक मतलब ट्रायल एंड एरर टेक्निक ठीक अगला क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ प्लानिंग प्लानिंग के केस में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है ठीक तो जरा मैं थोड़ा सा आपको प्लानिंग के ही बारे में बता देती बेसिकली इस क्वेश्चन में प्लानिंग के कुछ फीचर्स दिए गए हैं आपको बताना है कौन सा फीचर नहीं है मैं आपको प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ तो प्लानिंग हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े थे तो इसमें सबसे पहला फंक्शन ही आपको मिल जाएगा प्लानिंग ठीक तो प्लानिंग क्या है प्लानिंग इज द फर्स्ट मैनेजमेंट फंक्शन प्लानिंग सबसे पहला मैनेजमेंट फंक्शन है मैनेजमेंट एक्टिविटी है या कह लीजिए प्रोसेस है जिससे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है इसको डिटरमाइन किया जाता है ठीक है प्लानिंग से फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिटरमाइन किया जाता है कि वॉट एक्शन मतलब कौन सा एक्शन लेना है एन एक्शन क्यों कोई एक्शन लेना है कैसे करना है कब करना है इन सब के बारे में हम डिसाइड करते हैं इन प्लानिंग तो so पहले से decide करना, ठीक है फीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला फीचर है कि प्लानिंग जो है प्रोसेस है इट्स अ प्रोसेस ठीक है रादर देन बिहेवियर एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यानी प्लानिंग क्या है एक प्रोसेस है ये कोई एक बिहेवियर नहीं है किसी पर्टिकुलर टाइम का ठीक है दूसरा इसका फीचर है कि प्लानिंग इज ऑलवेज कंसर्न विद फ्यूचर प्लानिंग में हमेशा हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं ठीक है देखिए जो चीज हो गई उसके बारे में तो प्लानिंग की नहीं जा सकती ना जो आगे फ्यूचर में होना है उसके बारे में प्लानिंग की जाती है अगला जो फीचर है प्लानिंग का कि प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल डायनेमिक प्लानिंग फ्लेक्सिबल डायनेमिक होती है इसका मतलब क्या है एज पर द रिक्वायरमेंट आप प्लानिंग चेंज भी कर सकते हैं अगला क्या है प्लानिंग इज परवेसिव एंड कॉन्टिन्यूस मैनेजेरियल फंक्शन प्लानिंग इज एवरीवेयर प्लानिंग इज एक्सटेंसिव वास्ट होती है ठीक है और ये प्लानिंग जो है कॉन्टिन्यूस मैनेजीरियल फंक्शन होता है ठीक और अगला फीचर क्या है प्लानिंग प्लानिंग के के बारे में कि इज एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन हर लेवल पे प्लानिंग की जाती है ठीक और एक और लास्ट फंक्शन है प्लानिंग का कि प्लानिंग इज द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन यानी बहुत सारे अगर हमारे सामने ऑप्शन है तो उसमें सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा है उसके बारे में सिलेक्ट uh, करना दिस इज प्लानिंग ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है प्लानिंग के तो अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया प्लानिंग के बारे में तो अब मेरे ख्याल से आप ऑप्शन बता सकते हैं कि कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है तो प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड ऑब्वियसली प्लानिंग हमेशा गोल को ध्यान में रख के की जाती है प्लानिंग इज परवेसिव यस प्लानिंग इज परवेसिव प्लानिंग इज एवरीवेयर प्लानिंग इज वास्ट एक्सपेंस एक्सटेंसिव ठीक है नेक्स्ट प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल तो हाँ प्लानिंग फ्लेक्सिबल होती है डायनेमिक होती है एज पर द रिक्वायरमेंट इसे चेंज कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से आपको ऑप्शन समझ में आ गया है कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि कौन सा इसमें प्लानिंग के केस में करेक्ट नहीं है तो प्लानिंग इज अ डिस्क्रीट फंक्शन तो ये करेक्ट नहीं है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ठीक चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है पर्ट स्टैंड फॉर Pert क्या होता है? है, का फुल फॉर्म बेसिकली पूछा गया इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक प्रोग्राम इवेलुएशन एंड रिग्रेशन टेक्निक प्रोग्रेसिव इवेल्युएशन एंड रिग्रेशन टेक्निक ठीक है evaluation and evaluation and तो पर्ट के चार फुल फॉर्म दिए गए हैं आपको बताना है विच वन इज करेक्ट तो ये जो पर्ट है ये आपने कहा पे पढ़ा था ये कंट्रोलिंग जब आपने पढ़ा होगा कंट्रोलिंग में आपने पढ़ा होगा पर्ट एंड सीपीएम तो वहां पे पर्ट आया था तो पर्ट का फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ पर्ट का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम एंड रिव्यू टेक्निक ठीक है जो ऑप्शन बी इसमें दिया गया ना दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ पर्ट प्रोग्राम इवेलुएशन एंड रिव्यू टेक्निक ठीक है दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ पर्ट ठीक है ये पर्ट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्ट uh, मैनेजमेंट में भी आप पढ़ते हैं पर्ट को तो पर्ट क्या है बेसिकली पर्ट इज अ स्टैटिस्टिकल टूल ये जो पर्ट है दिस इज अ स्टैटिस्टिकल टूल जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज किया जाता है इसमें बेसिकली uh, किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में ठीक है जो भी टास्क इन्वॉल्व होते हैं उन सबको प्रेजेंट किया जाता है उनको एनालाइज uh, किया जाता है पर्ट में ठीक और इवन पर्ट के साथ आप एक दूसरा मतलब वर्ड भी सुनते होंगे पर्ट के साथ सीपीएम भी यूज किया जाता है ये दो इंपॉर्टेंट टेक्निक है स्टेटिस्टिकल टूल है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज होती है तो पर्ट के बारे में तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है मैं आपको सीपीएम का भी फुल फॉर्म बता देती हूँ क्योंकि कोई जरूरी नहीं है एग्जाम में आपसे पर्ट ही पूछा जाए क्या पता एग्जाम में सीपीएम आ जाए तो ठीक तो है तो सीपीएम का फुल फॉर्म है क्रिटिकल पार्थ मेथड CPM का फुल फॉर्म है critical path method. ठीक है 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 इसको use किया जाता है, along with PERT. PERT के साथ ही इसका इसका नाम भी आता है. PERT and CPM, बहुत important technique है. तो uh, CPM का फुल फुल फॉर्म फॉर्म क्या है? Uh, and, uh, ये जो प्रोग्राम इवेलुएशन एंड रिव्यू करेक्ट आंसर ठीक चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि डायरेक्टिंग इज अ जो डायरेक्टिंग है वो क्या है इट्स अ डिस्क्रीट प्रोसेस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस वन वे प्रोसेस या सर्कुलर प्रोसेस डायरेक्टिंग क्या है तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं तो मैं सबसे पहले आपको डायरेक्टिंग के बारे में बता देती हूँ ठीक है आंसर आप खुद बता लेंगे एज यूजल तो डायरेक्टिंग क्या है डायरेक्टिंग इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपने पढ़ा था बहुत सारे फंक्शन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग स्टाफिंग कमांडिंग कई फंक्शन आपने पढ़े हैं तो डायरेक्टिंग क्या है दिस इज वन ऑफ द फंक्शन एक फंक्शन है मैनेजमेंट का तो डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग डायरेक्टिंग में होता क्या है डायरेक्टिंग में डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग गाइडिंग काउंसलिंग मोटिवेटिंग ट uh, करना, 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 करना उसको लीड करना ताकि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ऑर्गेनाइजन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके दिस इज डायरेक्टिंग इसी को डायरेक्टिंग कहते हैं डायरेक्टिंग का मतलब केवल ऑर्डर uh, इशू करना या ऑर्डर देना नहीं होता डायरेक्टिंग का केवल मतलब ये नहीं है कि सुपीरियर अपने जूनियर को केवल ऑर्डर दे इंस्ट्रक्शन दे इसका मतलब डायरेक्टिंग नहीं होता है डायरेक्टिंग में गाइडिंग होता है गाइड करना इंस्पायर करना मोटिवेट करना ठीक है ये काउंसिल करना ये सब आता है डायरेक्टिंग में एंड डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस डायरेक्टिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है जो कॉन्टिन्यू रहता है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की थ्रू आउट लाइफ ये कॉन्टिन्यू रहता है तो दिस इज डायरेक्टिंग ये डायरेक्टिंग होता है ठीक है तो मेरे ख्याल से अब आपको आंसर समझ में आ गया है कौन सा ऑप्शन सही है तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर की डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ठीक सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर ये आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपके एक एक कमेंट और एक एक लाइक like मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है मैं कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ मुझे जैसे जैसे समय मिलता जाता है मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ तो जरूर टच में रहिए मुझे कमेंट करके बताते रहिए फीडबैक दीजिए ठीक है तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक अपना ध्यान रखिएगा गॉड ब्लेस यू